चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम रिसिप्ट वाउचर्स को एंटर करना सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर किस तरीके से हमें रिपोर्ट करना होता है। तो रिसिप्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस टाइप की एंट्री करते हैं, आपको पता होगा जब भी किसी पार्टी से आप कोई पेमेंट ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो उसको हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिपोर्ट करना है। अगर हम किसी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं तो क्या होगा, पेमेंट वाउचर में होगा, लेकिन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं, अब वो चाहे आप उसे कैश में ले रहे हो या बैंक बैलेंस थ्रू या चेक ले रहे हो, UPI ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो हमें क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में रिपोर्ट करना है। ठीक है, भाई समझते हैं किस तरीके से इसको रिपोर्ट करना होता है। हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक मियाँ नाम के डेटर्स को हमने अमाउंट पहले उसको कुछ गुड्स वगैरह सेल किया हुआ था, तो अब हम उसके अगेंस्ट हमें उसे क्या करना है, पेमेंट लेना। तो हम चेक कर लेते हैं कि मियाँ कितना अमाउंट हमारा बैलेंस है, कितना वो अभी हमें पे कर रही है। तो चेक करने के लिए आपने करना क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है, मास्टर पे जाना है, अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ मॉडिफाई में आ जाओ। मॉडिफाई भी चेक कर सकते हो, प्लस आप लिस्ट पे भी चेक कर सकते हो। तो लिस्ट पे गए, स्टैंडर्ड ऑल अकाउंट्स, और यहाँ पे आप मीना का अकाउंट ले लीजिए, एंटर। तो यहाँ पे देखिए शो करेगा यहाँ पे मीना के, ये हमारे पास बिल्स है इतने, कि टोटल यहाँ पे बिल दिखा रहा है, इतने से अमाउंट का बिल है। अब सपोज वो हमें क्या कर रही है, वो हमें दो बिल का पेमेंट कर रही है, एक 12,000 का बिल पेमेंट कर रही है और एक 32,000 का बिल का पेमेंट। तो अब हमें इसके अगेंस्ट कैसे उसे बिल्स रिसीव करना है। ओके, तो आपने क्या करना है, बैक आना है और ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, ट्रांजेक्शन्स के, राइट। और यहाँ पे नीचे आएगा आपका रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की होती है F6, यानी ऑल्ट F6 करना, ठीक है। तो ऑल्ट F6 करके आप रिसिप्ट यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो रिसिप्ट पे जाएंगे, यहाँ भी तीन ऑप्शन आ रहा है, ऐड करना है, उसमें अपडेट करना है या चेक करना है। तो हम फिलहाल आते हैं ऐड के अंदर, और मेन यहाँ पे वाउचर सीरीज आपका मेन रहेगा, किस डेट को आप वो पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो डेट यहाँ ले लोगे। और फिर यहाँ पे क्रेडिट आता है, तो क्रेडिट में हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट यहाँ पे सी है यानी क्रेडिट मांग रहा है, तो क्रेडिट हमें क्या लेना है, मीना लेना है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि मीना का क्या क्या हिसाब किताब पेंडिंग है। तो आपने क्या करना है, पार्टी डैशबोर्ड पे आना है आप, राइट। तो प्लीज़ सेलेक्ट द पार्टी नेम, फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पार्टी नेम सेलेक्ट करो। ओके, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मीना। ओके, एंटर। अब आप यहां से आना पार्टी डैशबोर्ड, तो यहां पे दिखा देगा किस 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 डेट का कितना अमाउंट ड्यू है। तो टोटल उसका अमाउंट है 1,50,000 का अमाउंट ड्यू है, तो यहां भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम उसको दो बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करना है, राइट। क्या करना है, आपने क्लोज कर दीजिए इसको, और यहां पे फिर आपने एंटर करना है और अमाउंट टोटल हमें कितना करना है, 32 + 12, यही था ना। लेट्स चेक अगेन, एक है आपका 32,000 नहीं और एक 15,000, सपोज ये दो पेमेंट हमें कर दिए, ठीक है, 32 15, तो कितना हो गया टोटल आपका, 47 हो गया। ओके, क्लोज कीजिए, यहाँ पे आपने लेना है 47,000, एंटर। अब यहाँ पे बिल मेथड पूछेगा, स्पेस प्रेस करना, ये ऑप्शन खुल जाएगा, एडजस्टमेंट, अगेन स्पेस प्रेस करेंगे तो एक 32,000 का पेमेंट कर रहे हैं, एंटर एंटर एंटर, दोबारा स्पेस प्रेस करो, एडजस्टमेंट स्पेस, और सेकेंड बिल आपका हो जाएगा 15 का, एंटर, ठीक है। तो टोटल 47 हो गया, एंटर एंटर एंटर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल उसने ले लिया, शॉर्ट नरेशन डाल सकते हैं, टू बिल्स के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ डाल दीजिए, अदरवाइज इसका एंटर। अब वो पेमेंट हमें कैसे कर रहा है, वो कैश मोड में पेमेंट कर रहा है, उसने कैश दिया, तो स्पेस कैश करेंगे और यहाँ से आप ले लो कैश। अगर उसने हमें लाइक किसी बैंक का चेक दिया है तो आपने क्या करना है, आपका अब आपने देखो एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, अभी तो कैश में है तो हमने कैश ले लिया, यहाँ तक तो ईजी है हमारा, लेकिन मान लीजिए कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने जो हमें चेक दिया है वो SBI का दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा जो अकाउंट है वो ICICI बैंक में है, सपोज मान लेते, या चलो एक काम करें, दो है ना यहाँ पे, आप थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं, कस्टमर ने हमें बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या है हमें यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लेना चाहिए। तो अब सपोज मैं क्या कह रहा था कि अगर कस्टमर ने हमें बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है ना, हमारे पास यहाँ हमारा जो अकाउंट है वो ICICI SBI है, तो हमें क्या लेना चाहिए, उसने बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया लेंगे, बट क्यों बैंक ऑफ इंडिया क्यों लेंगे, सोचो उसने हमें बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है, क्या अगर किसी पार्टी ने आपको बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है उसी को बैंक ऑफ इंडिया के चेक में ही क्रेडिट होगा, किसी और बैंक में क्रेडिट नहीं हो सकता, हो सकता है किसी भी बैंक का अकाउंट चेक हो आप किसी बैंक में डाल सकते हो, ये नहीं कि मान लीजिए आपका अकाउंट है जो है वो SBI में है, आपका अकाउंट SBI में, अब कस्टमर ने आपको बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है तो क्या आप नया अकाउंट खुलवाओगे बैंक ऑफ इंडिया का, फिर किसी पार्टी ने आपको फेडरल बैंक का चेक दिया है तो क्या आप दोबारा फेडरल बैंक का अकाउंट खुलवाओगे, है ना। तो किसी भी बैंक का चेक जो होता है वो हम किसी भी बैंक में डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो पार्टी ने पैसा दिया अब वो हमारे ऊपर, मान लीजिए हमारे पास दो बैंक, कंपनी के दो बैंक अकाउंट हैं,
एक SBI का है, एक ICICI बैंक का है। अब वो अकाउंटेंट के ऊपर है कि उसको किस में पैसा डिपॉजिट कराना है वाला। तो मान लीजिए उसने यहाँ से ले लिया, ICICI का ले लिया उसने यहाँ पे, तो अब उस चेक को हम कहाँ डिपॉजिट कराएंगे? ICICI बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, ताकि वो पैसा कहाँ क्रेडिट हो? ICICI में। और अगर हमने यहाँ से गलती से SBI ले लिया तो पैसा बढ़ जाएगा SBI में, और यहाँ पे ICICI में हमारा कुछ नहीं रहेगा, तो मिसमैच हो जाएगा बैलेंस। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं कि पार्टी ने जिस बैंक का चेक दिया आप उस बैंक का यहाँ पे लेजर बनाओगे, वो गलत है, ठीक है ना। तो वो आपके पास है कि आप किसमें उसको ऐड करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, खासकर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो सेम ले तो गलत हो जाता है, अकाउंट आपका मिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम अभी फिलहाल उसको ICICI बैंक में डालना चाहते हैं, भले ही उसने हमें किसी भी बैंक का चेक दिया हो, क्लियर। तो ये लेंगे एंटर एंटर, अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कैश नहीं चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मीना, ठीक है ना, बस एंटर से हो गया। अब आपको चेक करना है, आप बैक आइए और लिस्ट में आ जाइए। तो अब हमें चेक करना है कि भैया जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ है नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना है, लिस्ट में जाना है, स्क्रीन पे जाना है, ऑल यहाँ से हम कर देंगे F2। तो ये आपको दिखा देगा मीना और ICICI का जो है हमारा इतना रिसीव, ठीक है, 47,000। ऐसे आप किसी भी पार्टी से कैश रिसीव कर रहे हैं या किसी भी मेथड का, या आपने सपोज किसी को इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट का पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको जनरली एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया होगा। और अब एक काम और करते हैं, अगर पार्टी के डैशबोर्ड में चलो चेक करते हैं क्या वहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ हुआ है। तो अगर मैं अगेन रिसिप्ट में जाता हूँ, मेन पे गए और यहाँ पे मैंने ले लिया मीना, ठीक है। तो अब अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो देखो क्या शो करेगा, तो यहाँ पे इसके सारे बिल में कितने पेंडिंग हुए, यानी क्या दिखा रहा है, पेंडिंग बिल्स। तो पहले 6 थे, अब यहाँ 4 बच गए, और कितना रिसीव हम कर चुके हैं, हम उससे भी 47 रिसीव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो 13 में से 47 रिसीव कर चुके हैं, तो बैलेंस अब हमारा बच गया है 1,50,000 रुपीज़, उससे अभी हमें और लेना है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आप प्रॉपर एक रिसिप्ट की एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। अब बाकी सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में।